खबर शिवगढ़ रायबरेली से है, जहां भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल कार्यक्रम का 2 दिवसीय विकासखंड स्तरीय ब्लॉक प्रांगण में सोमवार को प्रशिक्षण संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख हनुमंत प्रताप सिंह रहे। हनुमंत प्रताप सिंह ने कहा कि जल की आवश्यकता प्रत्येक जीव जंतु मनुष्य सबके लिए उपयोगी है, इसलिए जल का संरक्षण करना अत्यंत आवश्यक है। पेयजल की आने वाले समय में एक बड़ी समस्या आ सकती है। जिस प्रकार से हम पेयजल का लगातार दुरुपयोग करते जा रहे हैं, जल किसी भी कीमत पर संरक्षित करके बचाना है, क्योंकि जल है तभी कल है। जल को संरक्षित करना इसलिए आवश्यक है जिससे हमारा वाटर लेवल मेंटेन रहे। जल का संरक्षण होगा तभी पेड़ पौधे पशु पक्षी मनुष्य जीव जंतु सब सुरक्षित रह सकेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 221 लोगों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। प्रशिक्षक रमाकांत शुक्ला ने बताया कि इसमें मोटर मैकेनिक ट्रेंड के 74, इलेक्ट्रीशियन 72 तथा पंप ऑपरेटर 75 लोगों को प्रमाण पत्र दिया गया है। जल का संरक्षण और जल स्तर को ऊपर लाना ही इस प्रशिक्षण का विशेष महत्व है। इस अवसर पर प्रधान संघ संरक्षक राजकुमार सिंह, रणविजय सिंह, डॉक्टर जीबी सिंह तथा प्रशिक्षु प्राप्त कर रहे कसना से ऋषभ एवं चंद्रवान सिंह, बरियारपुर सहजराम, एमापुर अवधेश प्रताप सिंह, रामपुर टिकरा अभिषेक सहित 221 लोगों को प्रमाण पत्र दिए गए। जल जीवन मिशन हर घर जल के तहत आज ब्लॉक प्रांगण के इस सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसको लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं और इसका क्या उद्देश्य है? जल जीवन मिशन ये भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जो नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा प्रायोजित तथा हमारे आर्णा फाउंडेशन लखनऊ के द्वारा आयोजित की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य है जल का संरक्षण, जल का सदुपयोग, जल दोहन को कम करना, भूगर्भ जल स्तर को बरकरार रखने के लिए ये योजना हमारे धरातल पर ग्रामीण स्तर पर लाई गई है। सरकार का उद्देश्य है कि हम हर घर जल, हर घर नल यदि पहुंचा देंगे तो निश्चित रूप से हमारे भूगर्भ जल का जो दोहन अति हो रहा है यह रुक जाएगा, हमारा भविष्य उज्जवल होगा।